जैसे आपने कहा वाइब्रेंट, यस इट्स अ कलरफुल मैड सर्कस हाउस हमारा जो है, एक लाला लैंड। हमने लास्ट ईयर ही यू नो सोच लिया था, वनीता जो प्रोडक्शन डिजाइनर है उन्होंने करके सोचा था कि नेक्स्ट ईयर हम जब करेंगे तो सर्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम वो लैंड में रहते हैं, हमको पता है कि हम ब्यूटिफुली करेंगे। और इस ईयर इट्स अ हैप्पी प्लेस, येट हमेशा जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि बिग बॉस में सब तो जोकरी बने हुए हैं, या तो पागलपन कर रहा है, तो यही रिंग मास्टर है, ऐसा है, सब चीज़ होते हैं। और बोलते हैं एक सर्कस ही है, तो हम लोग सर्कस ही बना देते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे एक बड़ा सा सर्कस है, एंटर इन टू माई वर्ल्ड ऑफ सर्कस। अब सर्कस में क्या क्या होते हैं? बहुत कुछ है। एक मौत का कुआं है ऊपर, यू नो जहाँ वो बाइक करते हैं ऊपर नीचे, तो वो एक ऊपर मेज़नाइन फ्लोर पर है, एंड वहाँ एक मेज़नाइन आज तक हमने कभी यूज़ नहीं किया, तो बिग बॉस के हाउस में पहली बार एक मेज़नाइन है। वहाँ डेक चेयर हम नॉर्मली बनाते हैं, तो डेक चेयर इस टाइम क्या नया करेंगे, तो एक बड़ा सा 25 फीट का घोड़ा है जिसका बेस है लाउंज एरिया, तो दैट बिकम्स ए डेक चेयर। अंदर हमने जब क्रिएटिव को बोला था कि हम सर्कस कर रहे हैं, तो बोला ओके बट डिसरप्ट द प्लेस, यू नो इस तरह करो कि लास्ट टाइम जैसे कुछ नहीं दिखे, जहाँ किचन था वहाँ लिविंग रूम डालो, लिविंग रूम था जहाँ वहाँ कुछ और डालो। एंड प्लस एक हमारे पास हमेशा एक बेडरूम होता है, इस टाइम हमारे पास 4 बेडरूम्स है, अलग अलग बेडरूम है। क्यों है वो मुझसे मत पूछो, बिग बॉस क्या रंग खेलेगा हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ मज़ा ये आया कि हर रूम एक अलग रूम है। एक है फायर रूम, एक है ब्लैक एंड व्हाइट रूम, एक है कार्ड्स रूम, एक है विंटेज रूम, यू नो विंटेज सर्कस, तो उसको मिला के 4 बेडरूम बनाया। एंड सबसे बड़ा जो स्वीट बोलते हैं वो है कैप्टन्स रूम, ओके जो मेरे राइट लेफ्ट साइड पर है। इतना बड़ा रूम है कि हमारे पास यू नो फुटबॉल खेलने की जगह है, इसलिए हमने एक जकूजी डाल दिया, तो एक प्राइवेट जकूजी है मिस्टर मिस कैप्टन के लिए। एंड उधर एक बड़ा सा हाथ है जो बिग बॉस का हाथ है, वहाँ वो बैठ के एक लाउंज करने वाले हैं, तो दैट विल बी ऑब्वियसली एक एनवी रूम कि हम सबको बहुत बड़ा है। जिधर लिविंग रूम था लास्ट टाइम, वहाँ हमने इतना बड़ा कैप्टन रूम लगा दिया। और जब अंदर जाओगे आप तब ऐसा लगेगा कि यू नो सब जगह तो कलरफुल है, वाइट सेट किया है, तो हमने एक एरिया जहाँ सलमान खान जी तो सब देखेंगे, वो पूरा रूम पूरा प्लेस है वाइट, वाइट एलिफेंट्स दिस दैट कार्डबोर्ड वॉल है, पर वहाँ से जब बिग बॉस या सलमान देखेंगे वहाँ कंटेस्टेंट के पीछे एक बड़ा सा करूजल है, तो द डाइनिंग एरिया इज बिकम अ ह्यूज करूजल, उसके नीचे वो लोग खाना खाने के लिए, और उसके पीछे एक लाउंज है, तो अच्छा डेप्थ मिलेगा हर एक फ्रेम में। उस हिसाब से हमने डिज़ाइन किया, ऑब्वियसली रेड येलो बल्ब्स 2300 बल्ब के ऊपर लगे हुए हैं अंदर, ओके। और यही है दिन में कैसे लगेगा, रात में कैसे लगेगा, लाइटिंग कैसे चेंज होगी, उस हिसाब से हमने मजाक लिया है। किचन एरिया इज अ नाइस कलरफुल किचन एरिया, जिसमें एक मेरी बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है एलिफेंट की, तो वो है टैसल्स के साथ। एंड जनरली अगर आप मेरे को फॉलो करते हो इंस्टा पर, तो मेरा एक मैं क्लाउन्स बनाता हूँ, यू नो सो मैंने वो पेंटिंग्स लगा दी है, वो इट्स अ नाइस ओल्ड इंडियन पर्सनलाइज्ड टच। सी डिफिकल्ट तो रहता ही है, बिकॉज आपने सब कर लिया है, हमने वाटर कर दिया, यू नो क्लब हाउस कर दिया, फॉरेस्ट कर दिया, अब क्या नया अंडरवर्ल्ड कर दिया है। तो जो सर्कस का थीम जब आया ना, तो क्लिक तो ये है, हमको इतने साल से करने थे, यू नो करना था, मेरा ऑफिस भी ऐसा ही है, कलरफुल क्रेजी ऑफिस है, तो हमने बोला ये तो यू नो हमारा बाएं हाथ का खेल है। लेकिन करते करते पता चला कि यू नो सर्कस किसी ने देखा नहीं, तो उस वर्ल्ड को हम किसी को इंट्रोड्यूस करें तो कैसे करेंगे। तो जो बचपन में सब लोग देखते थे, हमारे बचपन में देखते थे, अभी तो कोई देखता है सर्कस पता नहीं किसी को, तो वो वर्ल्ड हमने यहाँ लाया है, यू नो। और मेज़नाइन करके उसमें अलग अलग रूप देना, जैसे हमको पता है सब लोग अलग अलग कॉर्नर्स में रहने वाले हैं, तो वहाँ हमेशा टॉक होता था, वहाँ से जब बाथरूम आएंगे तो सब लोग बीच करते, तो उसको एक ग्लास क्यूबिकल कर दिया, तो प्राइवेसी आ गई। जैसे 4 बेडरूम जो अंदर देख रहे हैं ना, तो उसमें गिमिक ये है कि दूसरा कौन क्या बात करेगा हमको नहीं पता, तो उस टाइप का दिखाई भी नहीं पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, एक एक होल है करने के आपको दिखेगा वहाँ, जब अंदर जाओगे तो पता चलेगा। बट ये भी है कि जैसे आपने बोला कि डिज़ाइनिंग में क्या मज़ा आता है, इसमें फुल फ्रीडम मिलता है, यू नो तो ऐसा लगता है कि हमारा पर्सनल स्पेस है। अब इस साल हम क्या लाते हैं, अब ये यहाँ से निकलूँगा जब, तो नेक्स्ट ईयर के लिए सोचना पड़ेगा कि अब क्या, या तो देखते देखते पता चलेगा। मैं बिकॉज मैं बहुत देखता हूँ, मेरी वाइफ कंटिन्यूसली देखते हैं, कौन किसने क्या तोड़ा वो भी देखते हैं, गंदा किया तो वो भी देखते हैं, हम फ़ोन करते हैं प्लीज़ ये जाके चेंज करो, अंदर बोलो ऐसे, तो बिग बॉस डांटते हैं, तो हमारे वजह से ऐसा है। राइट में क्या है ये जो क्यूबिकल दिख रहा है? वही मैं बोल रहा हूँ, दैट्स अ प्राइवेट प्लेस, क्या ग्लास क्यूबिकल है जहाँ हमेशा ओपन रहता था, ओके, तो इस टाइम हमने एनक्लोज कर दिया है ताकि जो करें बीचिंग अंदर जाके करें।
लिटरली हर एक कॉर्नर पकड़ के हमने डिजाइन किया है कि ये कॉर्नर से मेरे को क्या दिखता है, नहीं दिखता तो कुछ ना कुछ तो झोल है अंदर, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, एंड बिग बॉस ये सब चीज इस्तेमाल करेंगे टू प्ले द गेम।